चलो अच्छा, आज की क्लास में हम देखेंगे, लास्ट टाइम हमने देखा था कि फोटोशॉप है क्या। आज हम देखेंगे कि फोटोशॉप कहाँ से डाउनलोड किया जा सकता है। तो सीधा सीधा से आप आ जाएं गेट इन टू पीसी, एक वेबसाइट है, तो यहाँ पे आप लिख दें एडोब फोटोशॉप सीसी, ये वर्जन का नेम है, और सर्च का बटन प्रेस कर दें एंटर। 2020 छोड़ दिएगा, इसका 2018 वर्जन 19, ये इस पे क्लिक करिएगा। मेरे पास क्योंकि इंस्टॉल है, इन्होंने इसकी एक वीडियो रखी हुई है इसी पेज पे, हाउ टू इंस्टॉल दिस सॉफ्टवेयर, कि आप अगर डाउनलोड करेंगे तो आपको इंस्टॉल कैसे करना है। ये पूरी वीडियो इन्होंने बना के रखी हुई है कि ये कैसे इंस्टॉल होगा, ठीक है, ये पूरी वीडियो देख लीजिएगा। अब आपको कौन सा वर्जन करना है, 32 बिट करना है, 64 बिट करना है। तो सबसे पहले मैं अपने माई कंप्यूटर पे, अपने पीसी पे जाके राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज चेक कर सकता हूँ कि मेरे पास विंडोज़ कौन सी है। तो मेरे पास कौन सी है, 64 बिट। अगर आपके पास 32 बिट होगी तो यहाँ पे 32 बिट लिखा हुआ होगा। तो 32 बिट करना हो तो 32 बिट, 64 बिट करना हो 64 बिट। डाउनलोड कर लेंगे तो ये इस तरीके की जिप फाइल में आ जाता है। तो ये इस तरीके की जिप फाइल होती है। जब आप इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे तो ये पासवर्ड आपसे मांगेगा, और पासवर्ड क्या दिया हुआ है इन्होंने, 123 बस। उसके बाद आपने क्या करना है, जब ये इंस्टॉल हो जाए तो ये रहा इसका एडोब फोटोशॉप सीसी 2018, इस पे क्लिक कर देना। ओके कर दें। तो जब ये फर्स्ट टाइम आपके पास ओपन होता है, जब पहली दफा आप डाउनलोड करके इसको इंस्टॉल करेंगे, और इंस्टॉल करने के बाद पहली दफा इसे ओपन करेंगे तो ये ऐसे होगा, ये इस तरीके से नजर आएगा। ये वाली जो जगह है वो इसकी पैलेट और पैनल है, ये इसका वर्क स्पेस है जहाँ पे आप चीज़ें बनाएंगे, ये इसका टूल बॉक्स है जहाँ से आप चीज़ें बनाएंगे जिससे। तो आप इसे यहाँ से सिंगल लाइन कर सकते हैं और डबल लाइन भी। इतनी सारी चीज़ों की फिलहाल हमें ज़रूरत नहीं है, हमें ज़रूरत क्या है, सिर्फ लेयर पैलेट। तो मैं लेयर पैलेट को बाहर निकाल देता हूँ, बाकी सारी चीज़ों को मैं बाहर निकाल के यहाँ से क्लोज कर देता हूँ। सही है, सिर्फ इसकी ज़रूरत है। अभी हमने क्या करना है, फाइल में आना है, फाइल में आने के बाद हमने न्यू करना है, फाइल में आके न्यू, और न्यू में हमने ये हमारे पेज साइज आ गए कि आप फोटो साइजेस इस्तेमाल कर रहे हैं। फोटो साइजेस का मतलब है जो फोटोग्राफर इस्तेमाल करते हैं। हम तस्वीर फोटोग्राफर के पास लेके जाते हैं ना, तो वो कहता है कि 5x7, सही है, 2x3, 4x6, सही है, इस तरीके के साइज। ये प्रिंट साइजेस हैं जो प्रिंट में यूज होते हैं, जैसे A4 साइज, A3 साइज। आर्ट एंड इलस्ट्रेशंस हैं, ये हैं वेब साइजेस हैं। तो हमारा जितना भी काम होगा वो फिलहाल वेब पे होगा। आप खुद भी साइज दे सकते हैं, यहाँ पे आप बता दें कि आपको कितनी विड्थ चाहिए और कितनी हाइट चाहिए। ये डिफॉल्ट यूनिट है जो कि आपको जब फोटोशॉप इंस्टॉल करेंगे तो आपको सेंटीमीटर में मिलता है। हमारा काम सेंटीमीटर में नहीं है, हमारा जितना भी काम होगा वो पिक्सल में होगा। सही है। हेलो,
तो यहाँ पे हमारा जितना भी काम होगा वो पिक्सल में होगा। अब पिक्सल के बाद आप यहाँ पे इसकी विद 1300 आप इसे कर दें भाई 800, आपको इतना बड़ी विद में कैनवस नहीं चाहिए। साइज आप कर दें 600, तो ये आपने मैन्युअली दे दिया कि 800 बाय 600। रेजोल्यूशन, स्क्रीन रेजोल्यूशन कितनी होगी? 72 पिक्सल्स पर इंच, यानी कि अगर ये एक 32 इंच की एलईडी है या 22 इंच की, तो इसके एक इंच में कितने पिक्सल होंगे? 72। अगर हम चीज़ें प्रिंट कराएंगे, जैसे विजिटिंग कार्ड हो, लेटर हेड हो, ब्रोशर हो, तो हम इसकी रेजोल्यूशन क्या रखेंगे? फिर 300। पर हमारे पास ऑन स्क्रीन जितना भी काम होता है वो 72 पिक्सल्स पर इंच पे हो जाता है। सही है, तो 72 पिक्सल पर इंच करना है। ये वो कलर मोड है जिसकी हमने बात की थी कि आरजीबी करना है या वाइट करना है। अच्छा, यहाँ पे देखें, क्योंकि मैंने वेब साइज लिया हुआ है तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सिर्फ आरजीबी और वाइट मिल रहा है। अगर मैं प्रिंट और इलस्ट्रेशन में आता हूँ तो ग्रे स्केल, आरजीबी, सीएमवाईके या लैब, तो क्योंकि वेब में सिर्फ कलर ही आरजीबी इस्तेमाल होते हैं या सफ़ेद होता है वाइट, तो आप उसको ये इसमें दिया। तो मैंने साइज दिया 800 600। सही, पिक्सल होता है पिक्चर एलिमेंट, एक इंच में जितने ज़्यादा पिक्सल आएंगे उतनी पिक्चर का कलर क्वालिटी और उसकी रेजोल्यूशन अच्छी होगी। तो बस ये है, क्योंकि वेब में अगर हम पिक्सल बहुत ज़्यादा एक इंच में बढ़ा देंगे तो क्या होगा, पिक्चर का साइज बढ़ जाएगा, इस वजह से हम कम रखें। क्रिएट कर दिया हम, तो ये काम यहाँ पे देखें तो ये अभी ओपन हुआ हुआ है 66.7%। ये जो वाइट कलर का पेज आया है इसे हम कैनवस कहते हैं। सही है, ये पेज या पेपर की बात नहीं होती, कैनवस की बात। कंट्रोल प्लस करते हैं तो जूम इन हो रहा है, वो देखें परसेंट बढ़ रहा है 300। ये शॉर्टकट की मैं लिखवा भी दूंगा, माइनस करेंगे तो कंट्रोल माइनस। हमें ना 100% से कम पे काम करना होता है ना 100% से ज़्यादा पे, हमें किस पे काम करना होगा? सिर्फ 100% पे, ये ध्यान रखें। ठीक है, अब मुझे कुछ चीज़ें बनानी हैं, तो यहाँ पे मेरे पास एक टूल है रेक्टेंगल मार्कर। इस वर्जन की अच्छी बात देखें कि ये आपको एक वीडियो टूल टिप दे रहा होता है कि ये कर क्या रहा है। तो किसी भी टूल पे आप माउस को क्लिक करेंगे तो उसकी एक वीडियो एनिमेशन चल जाएगी कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है। सही, तो हम यहाँ पे आते हैं, हमने कहा मार्क यू और एक सिलेक्शन बना देते हैं ये, जैसे ये। अब इसी टूल से आप यूँ सिंगल लाइन बना सकते हो, ऐसे लाइन बना सकते हो, ऐसे रेक्टेंगल बना सकते हो, स्क्वायर बना सकते हो। जो ये मार्क यू है, ये छोटे छोटे से मार्क हैं और क्यू की शक्ल में चल रहे हैं, इस वजह से इसे मार्क क्यू कहा जाता है। सही, ये मार्क क्यू है। यहाँ पे दो कलर हैं, एक फोरग्राउंड है और दूसरा बैकग्राउंड है। तो यहाँ पे जैसे मैंने क्लिक करा, अच्छा डिफॉल्ट जो कलर होता है वो कौन सा होता है? ब्लैक और वाइट। अगर मैंने यहाँ पे क्लिक करा तो मैंने जैसे यहाँ पे कर दिया ब्लू, बैकग्राउंड पे कर दिया रेड। अब यहाँ पे फिल कैसे होगा? दो तरीके, एडिट में आऊं, फिल क्या करना है? फोरग्राउंड कलर। फोरग्राउंड कलर कौन सा होता है? जो आगे वाला कलर हो, ऊपर वाला कलर हो। और बैकग्राउंड कलर कौन सा होगा? जो पीछे वाला कलर हो। सही, तो फोरग्राउंड ओके कर दिया। सही, और अगर मैं यहीं पे राइट क्लिक कर दूं तो यहां से भी फिल का ऑप्शन आता है। अब क्या करना है मुझे? जैसे बैकग्राउंड पर यही काम अगर मुझे कीबोर्ड से करना है तो शॉर्टकट क्या होगा? तो जैसे कुछ शॉर्टकट हमने दिया, कंट्रोल प्लस एन तो होता ही है, क्रिएट न्यू, कंट्रोल प्लस ओ
ओपन होता है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू इक्वल क्लोज होता है, कंट्रोल प्लस से क्या होता है, जूम इन होता है, कंट्रोल बिल्कुल जूम आउट होता है, उसके बाद ऑल्टर प्लस डिलीट से फिल होता है, फॉर ग्राउंड कलर। अच्छा, ऑल्टर डिलीट से भी होता है, और या आप बैक स्पेस यूज कर लो। और इसी तरीके से कंट्रोल प्लस डिलीट या बैक स्पेस से होता है, फिल बैकग्राउंड कलर। सही। अब ये देखो आगे वाला कलर कौन सा है, फोरग्राउंड। तो अगर मैं इसको फिल करना चाहता हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ऑल्टर के साथ डिलीट का बटन, कीबोर्ड पे बटन होता है ऑल्टर का, ये बटन होते हैं ऑल्टर और कंट्रोल। सही है। तो ऑल्टर के साथ डिलीट से होगा फोरग्राउंड, और कंट्रोल के साथ डिलीट से क्या होगा, बैकग्राउंड। अगर मैं डिलीट का बटन नहीं दबा सकता तो मैं ऑल्टर बैक स्पेस से भी फोरग्राउंड कर सकता हूँ, और कंट्रोल डिलीट से, कंट्रोल बैक स्पेस से बैकग्राउंड कर सकता हूँ। अब क्योंकि ये सिलेक्शन थी इस वजह से कलर पूरे पे नहीं आया। अगर ये सिलेक्शन नहीं होती ना तो देख रहे हो कलर सब पे आता। ठीक है, तो सिलेक्शन हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, सिलेक्शन ये आ रही है तो इसको हटाने के लिए सेलेक्ट में आके डी सेलेक्ट, इसका भी शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस डी इक्वल डी सेलेक्ट। तो कंट्रोल डी सिलेक्शन है, किसी भी चीज को एक जगह से मूव करने के लिए ये मूव टूल है। अगर अब इसका कलर चेंज करना हो, मिसाल के तौर पे मुझे कोई कहता है कि यार ये रेड कलर आपने बहुत बुरा कर लिया, इसको ग्रीन करना है, ब्लू करना है, ब्राउन करना है, येलो करना है, तो मैंने रेड पे क्लिक कर दिया, मैंने इधर ग्रीन कर दिया, और अगर अब मैं कलर फिल करता हूँ तो वापस तो सब कुछ हो जाए। इसका मतलब ये कि इसको दोबारा सेलेक्ट करना पड़ेगा, और इसको दोबारा सेलेक्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ये है लेयर, ये पूरी यहाँ से शुरू होती है और यहाँ पे ख़त्म होती है, और ये है इसका आइकन कि जो बनता है वो यहाँ पे शुरू होता है, तो इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा। और इसको सेलेक्ट करने के लिए आपके पास तरीके क्या क्या है कि आपके पास कीबोर्ड पे एक बटन है कंट्रोल, कंट्रोल का बटन दबा के रखना है और यहाँ पे क्लिक कर देना, तो कंट्रोल क्लिक करोगे तो वो क्या होगा, वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो अब देखो, अब मैं फिल सही है, ऑल्टर डिलीट कंट्रोल डिलीट, तो फिल फोरग्राउंड और फिल बैकग्राउंड। सही है, तो ये हो गया हमारे पास काम, और कंट्रोल डी से डी सेलेक्ट, ये हो गया। अब मुझे एक सर्कल बनाना है, तो मैंने इसी टूल पे राइट क्लिक कर दिया। देखो हर टूल के नीचे जो है वो एक छोटा सा पॉइंट है, अगर आप उस पॉइंट पे राइट क्लिक या इस टूल पे क्लिक करते हो तो इसका मतलब है उसमें और टूल भी। तो ये एक एलिप्टिकल या सर्कल ले लिया हमने, और मैंने इस पे सर्कल बना दिया और कलर इसमें फिल कर दिया ब्लू।
कंट्रोल डी। अब जब मैं मूव करता हूँ तो क्या हो रहा है, सारा मूव हो रहा है, मतलब वो भी मूव हो रहा हो रहा है, वो भी मूव हो रहा है और ग्रीन भी वाला बॉक्स भी। तो करना क्या है, यहाँ पे देखो दोनों एक ही लेयर पे बन गए, तो जब दोनों एक ही पेज पे आ गए तो जाहिर बात है। तो अब हमें क्या करना है, फोटोशॉप का पहला रूल ये है कि हर काम जो है वो अलग लेयर पे हो, यानी कि अगर एक डॉट भी लगाना है ना तो वो भी उसके लिए नई लेयर लेनी पड़ेगी। नई लेयर कहाँ से मिलेगी, ये लेयर की पैलेट है, सीधे हाथ से ये पहला बटन है जो कि डिलीट करेगा और दूसरा बटन जो है वो क्रिएट अ न्यू लेयर। तो जैसे ही इसे क्लिक करेंगे तो एक नई लेयर आ जाएगी, डिलीट करना है यहाँ से डिलीट हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन है लेयर में आओ, न्यू लेयर, ये पूछता है आपको लेयर चाहिए। तीसरा ऑप्शन है शॉर्टकट, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन। अब मैं एक सर्कल बनाता हूं, अब मैं उसका कलर फिल कर, अब ये देखो हरीश, ये चल ये ले, ये पकड़, तवज्जो से ले, ये होता है ऑनलाइन क्लासेस में घरों से आवाज आ रही है। ठीक है भाई, ये देख, ठीक है, तो ये अलग मूव हो रहा है और ये अलग मूव हो रहा है। मूव टूल लेना है, ऊपर टूल्स की प्रॉपर्टीज आ रही होती हैं, ये चेक लगा देना है, अगर ये चेक नहीं लगा हुआ होगा ना तो वही लेयर सेलेक्ट होगी जिस पे आप मौजूद हो, आप भले ही सर्कल पे क्लिक कर रहे हो वो मूव नहीं होगा। आपने क्या करना है, ऑटो सेलेक्ट लेयर, सही है, ये ऑप्शन कब आएगा, जब आपने ये वाला टूल लिया हुआ है, बाकी किसी टूल पे ये ऑप्शन नहीं आएगा। सही है, तो ये हो गया। अच्छा, कलर चेंज करना है तो मैंने क्या बताया था, कंट्रोल के साथ क्लिक कर दें तो वो आई का कॉन्सेप्ट क्या है, जिस लेयर से आई हटा देंगे वो हाइड हो जाएगा। सही है, शो हाइड और वाला मार, सही है। कोई भी चीज अगर आपने गलती से डिलीट कर दी या वो गलत हो गई तो उसको लाने के लिए वापस क्या होता है, कंट्रोल जेड, कंट्रोल जेड अंडू होता है, जैसे हमने कंट्रोल प्लस जेड ई, और वापस लाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस जेड रीडू, यानी कि स्टेप पीछे और स्टेप फॉरवर्ड, एक कदम आगे और एक कदम पीछे। तो ये हो गया। उसके बाद इसका तीसरा टूल है सिंगल रॉ मार्किंग, यानी कि एक बारीक लाइन बनानी है, तो सबसे पहले हम लेयर ले लेते हैं, लाइन कहाँ बनानी है हमें, नीचे उस जगह पे क्लिक कर दिया। अब ये सिलेक्शन है, अगर बाहर कहीं क्लिक कर दोगे तो वो हट जाएगी, मतलब कंट्रोल डी करोगे तो वो हट जाएगी, लाइन नहीं आएगी, आपने इस पर क्लिक करना है। और कौन सा कलर फिल करना है इसमें, आपने कर दिया ये ब्लैक सा, अल्टर डिलीट कंट्रोल डी। कहाँ लाइन बनानी है, ऊपर लाइन बनानी है, यहाँ पे क्लिक करा और अल्टर, सिंगल कॉलम मार्किंग, सही है, तो सिंगल एक सीधी लाइन बनाता है, एक ऐसे लाइन बनाता है। कलर फिल करने के लिए वही शॉर्टकट है जैसे सर्कल और उसमें किया था, कलर करने का तो एक ही तरीका है,
चाहे वो एक लाइन में करो या एक किसी बड़ी चीज में करो, इस फाइल को सेव कैसे करेंगे? सेव डेस्कटॉप पे, इसको मैंने जैसे नाम दे दिया क्लास वन। फोटोशॉप की फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .psd। .psd का मतलब क्या है? फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, सही है। PSD फोटोशॉप डॉक्यूमेंट, और सेव कर दिया तो ये सेव हो गया। अब देखो बन जाता है। अब ये रही मेरी क्लास। अब जब भी मैं डबल क्लिक करके इसे ओपन करूंगा तो ये फोटोशॉप पे ओपन होगा। पर अगर किसी के पास फोटोशॉप ना हो और उसे ये फाइल भेजनी हो या दिखानी हो तो फिर क्या करेंगे? हम इसको पिक्चर बनाएंगे, सेव एज, और इसको PSD के बजाय क्या करेंगे? JPEG, और सेव, और ओके। ये फाइल जब भी ओपन होती है तो पिक्चर व्यूअर पे ओपन होती है। ये फाइल जब भी ओपन होगी है इसके विंडो वीवर पे ओपन होगी। तो ये हो गया, तो पिक्चर बना दिया, मूव कर दिया इधर से, सब कुछ खत्म करना है तो ये डिलीट डिलीट, ये मैसेज बार बार ना आए तो चेक लगा के 8 बोल नहीं ले ली, और फिर वही काम है। अब जैसे मैंने ये बना दी शेप, अब ये छोटी बन गई है, इसका साइज क्या हो गया? छोटा। और मुझे इसका साइज क्या करना है? बड़ा। एडिट में फ्री ट्रांसफॉर्म, शॉर्टकट क्या रहा है? Ctrl+T। मैंने Ctrl+T प्रेस कर, अब जैसे ही मैंने Ctrl+T प्रेस करा कि ये बाउंड्री आ गई, इसको हम कहते हैं बाउंडिंग बाउंड्री। और उस बाउंडिंग बाउंड्री के साथ हमारे पास क्या चीज़ें आ गई हैं? उस बाउंडिंग बाउंड्री के साथ हमारे पास एक चीज़ आ गई है, ये स्क्वायर बॉक्स छोटा सा, सही है। ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये कंट्रोल्स हैं, और ये क्या है? रजिस्ट्रेशन रोटेशन। अगर मुझे बड़ा करना है टॉप से तो देखो ये टॉप से, ये बॉटम से, ये राइट से, और ये लेफ्ट। पर तरीका क्या होता है किसी भी चीज को कि वो चारों तरफ से छोटी बड़ी हो, तो हम यहां से कॉर्नर पॉइंट से ले रहे हैं तो ये तीन तरफ से छोटी बड़ी होगी। मतलब अगर आप देखो तो ये वाला पॉइंट जब मैंने लिया हुआ है तो ये मूव नहीं हो रहा, और जब इसको मूव कर रहा हूं तो वो नहीं हो रहा। तो इसके लिए फिर क्या करें? कीबोर्ड पे बटन होता है ऑल्टर का, पर ऑल्टर से एक नुकसान ये होता है कि ऑल्टर से ये ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, तो ये स्क्वायर स्क्वायर ही रहे तो ऑल्टर शिफ्ट। तो अब ये देखो शेप खराब नहीं होगी, जो स्क्वायर है वो स्क्वायर ही रहेगा। बट ऑल्टर से क्या हो रहा था? ऐसे भी हो सकता है, चाहे ऐसे भी हो सकता था। शिफ्ट से क्या होगा? वो उसे बैंड नहीं होने देगा, इधर उधर घूमने में। तो किसी भी चीज को छोटा बड़ा किया जा सकता। अगर मैं इस पर राइट क्लिक करूं तो इसका दूसरा ऑप्शन है रोटेट, इसको घुमाना है। ये खत्म कैसे होगा? ट्रांसफॉर्म एंटर, ट्रांसफॉर्म Ctrl+T से तो होता है, पर खत्म कैसे होता है? प्रेस
एंटर, जिसे हम कहते हैं रिलीज ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब मुझे इसकी एक और कॉपी चाहिए। कॉपी का मतलब क्या है, मुझे इस जैसा एक और चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, इस पे राइट क्लिक करता हूँ और इसे क्या कर देता हूँ, डुप्लीकेट। ये मूव टूल लिया, दोबारा देख लो, इस पे राइट क्लिक करा और डुप्लीकेट लिया। अब इसका कलर चेंज कर देना, कंट्रोल के साथ क्लिक करा और इसको इसका थोड़ा सा डार्क ग्रीन दे देते हैं। अगर इस वाले को ऊपर लेके आना है तो ये लेयर उठा के ऊपर रख दो, इन दोनों को एक साथ मूव करना है। ये तो अभी अलग अलग हो रहा है, तो क्या करो, शिफ्ट के साथ दोनों को सेलेक्ट कर लो, शिफ्ट का बटन दबा दो, डुप्लीकेट लेयर का शॉर्टकट क्या है, कंट्रोल प्लस जे डुप्लीकेट लेयर, सही है? ये अलग हो गया है, बाद में एक फोटो। अब इसे कंट्रोल टी करो ट्रांसफॉर्म, रोटेट इसको किसी और एंगल में। अब इसका बीच का हिस्सा खत्म करना है, तो क्या करा, इसके ऊपर एक सर्कल बनाया और कीबोर्ड पे बटन होता है ना डिलीट का, तो डिलीट कर दिया, तो इसमें क्या हो गया, एक सुराख सा हो गया, और जब सुराख हो गया तो पीछे वाला हिस्सा नजर आ रहा है। देखिए इसको इसके ऊपर रख लो, इसको इसके ऊपर, ठीक है। किसी चीज को लॉक कर देना है कि वो मूव ना हो, तो ये लॉक का बटन है। अब यहाँ पे जैसे ही मैंने प्रेस करा ये ताला लग गया। अब देखो ऊपर वाली लेयर मूव नहीं होगी, वो कहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। नीचे वाले को भी लॉक कर दो, तो आप कोई भी